बिहार के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार के टॉप 10 MBA कॉलेज कौन है, जहां से अगर आप MBA करते हैं तो एक तो ये कॉलेज आपको बहुत ही अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट दिलाते हैं, तथा दूसरा इन कॉलेजों के पास बहुत अच्छा जॉब प्लेसमेंट भी मिलता है, तथा ये कॉलेज दोस्तों इतना फेमस है कि बिहार से ही नहीं बल्कि भारत के दूसरे राज्यों से भी बच्चे आकर यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है IIM इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यह कॉलेज बोधगया में है। यह कॉलेज दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, तथा स्पेशल मैनेजमेंट कॉलेज है। मैनेजमेंट कोर्स के लिए यह कॉलेज ना सिर्फ बिहार में ही फेमस है बल्कि पूरे भारत में फेमस है, तथा ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट यहां पर आकर स्टडी करते हैं। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों काफी मॉडर्न और अट्रैक्टिव है, तथा इस कॉलेज में इंटरनेशनल लेवल की फैकल्टी उपलब्ध है जो इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको इंटरनेशनल लेवल का जॉब प्लेसमेंट भी मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप मैनेजमेंट में कोर्स करना चाहते हैं तो यह कॉलेज आपका पहला टारगेट होना चाहिए। यहाँ से आप MBA, IPM तथा PhD में कोर्स कर सकते हैं। प्लेसमेंट के मामले में तो यह कॉलेज दोस्तों सुपर कॉलेज है। यहाँ पे 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 48.98 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 14.96 लाख रुपीज। इसके बाद नंबर 2 पे आता है BIT इंस्टीट्यूट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह कॉलेज पटना में है, तथा यह कॉलेज दोस्तों सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, और यह कॉलेज काफी पुराना कॉलेज भी है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। पुराना कॉलेज होने के कारण यह कॉलेज दोस्तों काफी लोकप्रिय और विश्वसनीय कॉलेज भी है। यही कारण है कि इस कॉलेज की पहचान बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी है, तथा यहाँ पर अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट आकर स्टडी करते हैं, क्योंकि इस कॉलेज के पास दोस्तों बहुत अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट उपलब्ध है, तथा इसके पास हाईटेक प्रैक्टिकल लैब भी उपलब्ध है। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दोस्तों काफी भव्य और अट्रैक्टिव है, जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यह कॉलेज भी आपके लिए बेस्ट कॉलेज रहेगा। वैसे तो यहाँ से आप बहुत सारा फील्ड में कोर्स कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ MBA में भी कोर्स कर सकते हैं। प्लेसमेंट की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे 80% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 45 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 7 लाख रुपीज। इसके बाद नंबर 3 पे आता है CIMP कॉलेज, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यह कॉलेज भी पटना में ही है, तथा मैनेजमेंट कोर्स के लिए यह कॉलेज स्पेशल कॉलेज है। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी भव्य और अट्रैक्टिव है। इसकी स्थापना होती 2008 ईस्वी में। दोस्तों, इस कॉलेज के पास फैकल्टी, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा प्लेसमेंट रिकॉर्ड सबके सब नंबर 1 के है। तो यह कॉलेज भी दोस्तों आपके लिए बेस्ट कॉलेज रहेगा। मैनेजमेंट में इस कॉलेज से आप PGDM जो MBA के इक्विवेलेंट होता है, EFPM तथा FPM में कोर्स कर सकते हैं। प्लेसमेंट के मामले में भी यह कॉलेज दोस्तों बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पे 70% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 15 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 5 लाख रुपीज। इसके बाद नंबर 4 पे आता है ISM कॉलेज, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। यह कॉलेज भी पटना में ही है। इसकी स्थापना हुई थी 2011 ईस्वी में। यह कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, तथा प्राइवेट कॉलेज के लिस्ट में मैनेजमेंट कोर्स के लिए यह कॉलेज बिहार का नंबर 1 कॉलेज है। दोस्तों, इस कॉलेज की एक खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा तरीका से डेवलप किया जाता है, जिस कारण यहाँ के बच्चे कम्युनिकेशन स्किल में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा जॉब प्लेसमेंट मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाता है और आप मैनेजमेंट में कोर्स करना चाहते हैं, तो यह कॉलेज आपके लिए सबसे परफेक्ट कॉलेज है। यहाँ से आप PGDM, BBA, BCA, BJMC तथा BCom में कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के पास भी 60-70% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 18.5 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 6 लाख रुपीज। इसके बाद नंबर 5 पे आता है AKU यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी भी पटना में ही है, तथा इसकी स्थापना हुई थी 2010 ईस्वी में। दोस्तों, यह यूनिवर्सिटी बिहार का सबसे फेमस और लोकप्रिय यूनिवर्सिटी है, तथा यह यूनिवर्सिटी बिहार का स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है। यही कारण है कि बिहार में जितने भी टेक्निकल कॉलेज है, लगभग सभी कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट के साथ साथ एक ग्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईटेक प्रैक्टिकल लैब भी मिलेंगे, तथा स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी होने के कारण दोस्तों इस यूनिवर्सिटी की पहचान पूरे भारत में है। यही कारण है कि इसका डिग्री बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ से भी आप बहुत सारा फील्ड में कोर्स कर सकते हैं, साथ ही साथ MBA में भी कोर्स कर सकते हैं। प्लेसमेंट के मामले में भी यह यूनिवर्सिटी
बेस्ट है, यहाँ पे 80% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। इसके बाद नंबर 6 पे आता है अमेठी यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी भी पटना में ही है। इसकी स्थापना होती 2017 ईस्वी में। यह यूनिवर्सिटी दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तथा प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिस्ट में बिहार के टॉप यूनिवर्सिटी के लिस्ट में आता है। दोस्तों अमेठी यूनिवर्सिटी एक ग्रुप यूनिवर्सिटी है जो बिहार के अलावा और भी दूसरे स्टेट में है तथा इसका ब्रांच विदेशों में भी है। यही कारण है दोस्तों कि इस यूनिवर्सिटी का एजुकेशनल नेटवर्क बहुत मजबूत है और इंटरनेशनल लेवल का है तथा यहाँ के फैकल्टी भी इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो यह कॉलेज भी आपके लिए दोस्तों परफेक्ट रहेगा, यहाँ से भी आप MBA में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 7 पे आता है नालंदा यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी नालंदा में। दोस्तों यह यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और बिहार का एकमात्र इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को उसी नालंदा यूनिवर्सिटी के तर्क पे बनाया गया है जो कभी पूरी दुनिया में सबसे फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करता था, लेकिन इस बार भी इस यूनिवर्सिटी को उसी तर्क पे बनाया गया है और इस यूनिवर्सिटी को 16 देशों का सपोर्ट हासिल है। तो दोस्तों यह यूनिवर्सिटी बहुत ही जल्द बिहार का खोया हुआ सम्मान फिर से वापस ला देगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका से स्टूडेंट स्टडी के लिए आने लगे हैं। यह यूनिवर्सिटी दोस्तों भले ही टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन लिटरेचर, रिलीजन तथा कल्चर के फील्ड में वर्ल्ड क्लास का यूनिवर्सिटी है। तो आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं, तो आप यहाँ से MBA में कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 8 पे आता है IIBM इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। यह कॉलेज पटना में है तथा काफी पुराना कॉलेज भी है। इसकी स्थापना हुई थी 1979 ईस्वी में। दोस्तों भले ही इस कॉलेज के पास बहुत अच्छा कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन यह कॉलेज भी स्टडी के लिए सुपर कॉलेज है तथा यह कॉलेज स्पेशल मैनेजमेंट कॉलेज है। तो अगर आप मैनेजमेंट में कोर्स करना चाहते हैं तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। प्लेसमेंट भी यहां पर दोस्तों अच्छा खासा मिल जाता है। यहां से आप PGDM, BBA तथा BCA में कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 70-80% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है तथा यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 11.25 लाख रुपीज, जबकि एवरेज पैकेज है 3 लाख रुपीज। इसके बाद नंबर 9 पे आता है MGCU यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी मोतिहारी में। इसकी स्थापना हुई थी 2016 ईस्वी में। दोस्तों यह यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है, जिस कारण काफी फेमस और लोकप्रिय यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप मोतिहारी के हैं या मोतिहारी के आसपास के हैं और MBA कोर्स करना चाहते हैं तो यह कॉलेज आपके लिए नंबर 1 का कॉलेज रहेगा, इसलिए आप इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। वैसे तो यहाँ से भी आप बहुत सारा फील्ड में कोर्स कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ MBA में भी कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 10 पे आता है संदीप यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी मधुबनी में है तथा यह यूनिवर्सिटी दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिस्ट में बिहार के टॉप ऑफ द लिस्ट में यह यूनिवर्सिटी आता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों काफी भव्य और आकर्षक है। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के पास IIT और IIM लेवल के फैकल्टी उपलब्ध है, जिस कारण यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यह यूनिवर्सिटी भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वैसे तो यहाँ से भी आप बहुत सारा फील्ड में कोर्स कर सकते हैं, साथ ही साथ MBA में भी कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों यह है बिहार के टॉप 10 MBA कॉलेज। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं तथा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।